झारखंड सरकार ने कई श्रम कानूनों में सुधार किए हैं और कई कानून लाए हैं श्रमिकों के हित में। ऐसे में श्रम सचिव अजय कुमार सिंह हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं सर क्या कुछ झारखंड में दिखाई देता है और इन दिनों जो श्रम कानून हैं और जो नियोजन संबंधी नीतियां हैं वो किस ओर बढ़ रही हैं सर। देखिए, एक तो मैं बताना चाहता हूँ कि राज्य सरकार ने पिछले वर्ष ही काफ़ी क्रांतिकारी कदम उठाए थे और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत जो विभिन्न श्रम कानून है उसमें परिवर्तन किया गया था और राज्य का जो रैंकिंग है वो पूरे देश में नंबर वन है। पहले भी था और आज भी हम लोग नंबर वन पोजीशन पे हैं। तो श्रम कानूनों में संशोधन में राज्य सरकार सबसे ऊपर है। श्रमिकों के हित के लिए राज्य सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं। सर, श्रम कानूनों के उल्लंघन न हो, कई फैक्ट्रियां हैं झारखंड में, कई औद्योगिक संस्थान हैं, उसमें किस तरह से कड़ाई से आप लोग लागू करते हैं कि श्रम कानूनों का जो पालन है वो सुचारू रूप से हो सके? देखिए, जो व्यवस्था है इसमें कानून के अंदर ही दिया गया है और जब भी हम लोग को शिकायत होती है तब हमारे जो विभाग के इंस्पेक्टर्स हैं और जो सुपरिटेंडेंट हैं, लेबर सुपरिटेंडेंट हैं, वो जा कर के फैक्ट्रीज़ में अपना सुपरवाइज़ करते हैं, उसको निरीक्षण करते हैं और जहाँ कहीं भी श्रम कानूनों का उल्लंघन होता है वो केसेस भी लॉन्च करते हैं। सर, न्यूनतम वेजेज क्या हैं झारखंड में और अन्य राज्यों की अपेक्षा क्या बेहतर हैं? न्यूनतम वेजेस तो हर एक साल नोटिफाई होता है और डिफरेंट स्किल सेक्टर्स में अलग है, अनस्किल्ड वर्कर्स का अलग है, सेमी स्किल्ड वर्कर्स का अलग है। तो ये इस साल भी अभी गत माह ही इसका नया नोटिफिकेशन हुआ है और मिनिमम वेजेस जो है समय समय पर रिविजन भी होता है और अन्य राज्यों से यदि तुलना करें तो हम लोग का मिनिमम वेजेस जो है अन्य राज्यों की तुलना में ठीक है, अच्छा है, इसमें कोई कमी नहीं कही जा सकती है। ये थे श्रम नियोजन सचिव अजय कुमार सिंह जी जो बता रहे थे कि झारखंड में श्रम कानूनों का सही ढंग से पालन किया जाता है। नूतन के साथ अशोक कुमार, APN रांची।